हेलो दोस्तों, आप सभी को शुभलाभ जी के क्लासेस में स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। आज हम लोग नोबेल पुरस्कार 2023 और नोबेल पुरस्कार से जुड़े हुए स्टैटिक जी के प्रश्न को डिस्कस करेंगे। आप किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, आने वाले परीक्षाओं में नोबेल पुरस्कार से जुड़े प्रश्न जरूर बनेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको जरूर फायदा मिलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2023 किसे मिला है? और इसका सही आंसर है क्लाउडिया गोल्डिन। यानी क्लाउडिया गोल्डिन को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2023 मिला है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी, क्लाउडिया गोल्डिन। क्लाउडिया गोल्डिन अमेरिका के एक प्रोफेसर हैं। इन्हें महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों के बारे में हमारी समझ को उन्नत या विकसित करने के लिए 2023 का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। अब देखिए, बेन बेनार्के, डगलास डायमंड और फिलिप डायबोगिस को 2021 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल शांति पुरस्कार 2023 किसे मिला है? और इसका सही आंसर है नरगिस मोहम्मदी। यानी नरगिस मोहम्मदी को नोबेल शांति पुरस्कार 2023 मिला है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी, नरगिस मोहम्मदी। नरगिस मोहम्मदी ईरान की निवासी हैं। ईरान में महिला उत्पीड़न के लिए और सभी के लिए मानवाधिकारों और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने की उनकी लड़ाई के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी, नरगिस मोहम्मदी। अब देखिए, मारिया रेसा, ये फिलीपींस के हैं और इन्हें 2021 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। दिमित्री मुरोटोबा, ये रशिया की हैं और इन्हें भी 2021 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है। एलेस बियालियात्स्की को 2022 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ये बेलारूस की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2023 किसे मिला है? और इसका सही आंसर है जॉन फासे। यानी जॉन फासे को साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2023 मिला है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए, जॉन फासे। जॉन फासे नॉर्वेजियन लेखक और नाट्यकार हैं। अब देखिए, लुइस ग्लुक को 2020 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला है। एनी एनार्क्स, ये 2022 में इन्हें साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला है और ये फ्रांस के हैं। अब्दुल रज्जा गुरनाह को 2021 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला है और ये साउथ अफ्रीका के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकित्सा क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? और इसका सही आंसर है दोनों। कौन? ड्रू ब्रिसमैन और कैटेलिना कारिको। ये दोनों को चिकित्सा के क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी, दोनों। कैटेलिना कारिको और ड्रू ब्रिसमैन को कोविड-19 से लड़ने के लिए एमआरएनए टीका के विकास से संबंधित उनकी खोज के लिए प्रदान किया जाएगा। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, दोनों, ड्रू ब्रिसमैन और कैटेलिना कारिको। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसायन विज्ञान में 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? और इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। किसे? मोंगी जी बेवांडी, लुइस ई ब्रूस और एलेक्सी आई इकिमोव। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी। क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए नोबेल पुरस्कार 2023 दिया जाएगा। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, मोंगी जी बेवांडी, लुइस ई ब्रूस और एलेक्सी ई इकिमोव। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भौतिकी में 2023 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? और इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी, प्यारे अगस्टनी, फेरेंके क्राउस और एनी एल व्हीलर को मिला है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी, प्यारे अगस्टनी, फ्रैंक क्राउस और एनी एल व्हीलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीयों कौन थे? और इसका सही आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी, रविंद्रनाथ टैगोर। ये ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1921 में अल्बर्ट आइंस्टाइन को निम्नलिखित में से किस अध्ययन में नोबेल पुरस्कार दिया गया है? और इसका सही आंसर है प्रकाश विद्युत प्रभाव। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी, प्रकाश विद्युत प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, साल 1998 में किसे अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? और इसका सही आंसर है अमर्त्य सेन। यानी अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अमर्त्य सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेंकटरमन रामकृष्णन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? और इसका सही आंसर है रसायन विज्ञान। यानी वेंकटरमन रामकृष्णन को रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी, रसायन विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक क्रिया विज्ञान या औषधि में साल 1968 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? और इसका सही आंसर है हरगोबिंद खुराना। यानी शारीरिक क्रिया विज्ञान या औषधि में साल 1968 में नोबेल पुरस्कार हरगोबिंद खुराना को मिला है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बी, हरगोबिंद खुराना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है? और इसका सही आंसर है महात्मा गांधी। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी, महात्मा गांधी। मादर टेरेसा को 1979 में पीस में नोबेल प्राइज मिला है। अमर्त्य सेन को 1998 में इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज मिला है। सी वी रमन को रमन इफेक्ट के लिए 1930 में नोबेल प्राइज मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संगठन ने नोबेल शांति पुरस्कार 2023 जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है विश्व खाद्य कार्यक्रम, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बी, विश्व खाद्य कार्यक्रम। यानी विश्व खाद्य कार्यक्रम को 2020 का शांति नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार प्रत्येक वर्ष कितने श्रेणियों में दिए जाते हैं? और इसका सही आंसर है 6। यानी नोबेल पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 6 श्रेणियों में दिए जाते हैं। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 6। ये एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार पहली बार कब प्रदान किया गया है? और इसका सही आंसर है 1901 में। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 1901 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस शहर में सबसे अधिक नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय नागरिक दिए हैं? और इसका सही आंसर है कोलकाता। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी, कोलकाता। यानी भारत के कलकत्ता शहर सबसे अधिक नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय नागरिक दिए हैं। देखिए, रविंद्र टैगोर कलकत्ता से हैं, 1913 में मिला है। अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज मिला है पुरस्कार, ये भी कलकत्ता से हैं। अभिजीत बनर्जी 2009 में इन्हें अर्थशास्त्र में मिला है, ये भी कलकत्ता से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे
नोबेल पुरस्कार और भारत रत्न दोनों से सम्मानित किया गया है। और इसका सही आंसर है मदर टेरेसा, यानी मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार और भारत रत्न दोनों से सम्मानित किया गया है। देखिए मदर टेरेसा को 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार और 1980 में भारत रत्न पुरस्कार मिला था। महात्मा गांधी को भारत रत्न और नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है। रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला है और पंडित जवाहरलाल नेहरू को 1955 में भारत रत्न मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फ्रेड नोबेल किसका आविष्कार किए थे? और इसका सही आंसर है डायनोमो, यानी अल्फ्रेड नोबेल डायनोमो का आविष्कार किए थे, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी डायनोमो। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नोबेल पुरस्कार विजेता ने कुकिंग टू सेव योर लाइफ नामक पुस्तक लिखे हैं जो कुकिंग पर आधारित है? और इसका सही आंसर है अभिजीत बनर्जी, यानी अभिजीत बनर्जी ने कुकिंग टू सेव योर लाइफ नामक पुस्तक लिखे हैं जो कुकिंग पर आधारित है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी अभिजीत बनर्जी। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा।